वेदांत मराठे वीर दौड़ले साथ अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म जो कि महेश मांजरेकर जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं, उसमें महेश मांजरेकर के जो पुत्र हैं वो नया डेब्यू करने वाले, वो भी इसमें एक सावत मावड़ों में से एक बने हुए हैं। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में जो है अक्षय कुमार का जो फर्स्ट लुक है उसको देखो, ये दिख रहे हैं भाई क्या मजबूरी थी। मैं पहले वीडियो बना के बोल चुका हूँ, जहाँ उनका गब्बर जैसा लुक दिख रहा था तब तो पूरा का पूरा फर्स्ट लुक ही आउट हो चुका है। जहाँ अक्षय कुमार ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डाला है, आप देख ही सकते हैं। जहाँ वीडियो में फोटोज़ में आप देख सकते हैं अक्षय कुमार जो एकदम सीरियस लुक में दिख रहे हैं। यहाँ तक कि इस लुक में एक भी कारण एक भी चीज़ जो है अच्छा से छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह आपको लग ही नहीं सकता। भाई वो भावना कहाँ है, वो तेज कहाँ है? छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार को निभाने के लिए एक जो शौर्य, एक जो तेज होना चाहिए, एक जो भावना होनी चाहिए, वो जो है किसी मराठी में ही हो सकती है। जैसे कि शरद केलकर के लुक को आप देखेंगे और अक्षय कुमार के लुक को आप देखेंगे तो आप दोनों में कंपेरिजन कर ही नहीं सकते भाई, कहीं से भी नहीं कर सकते। मराठी एक्टर में जो है जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का पहले भी किरदार निभाया उनको किसी को ले लेते, क्या मजबूरी जो कि अक्षय कुमार को जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में लिया गया है। यहाँ तक कि पृथ्वीराज चौहान फिल्म में जो है सम्राट के करेक्टर को बर्बाद करके रख दिया था। क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी जो कि महाराज के किरदार को जो है चरित्र को बिगाड़ने के लिए अक्षय कुमार को लिया गया है। आप लुक को देख सकते हैं, आप वीडियो को देख सकते हैं, से भी उनके कैरेक्टर में सिर्फ मेरे को एक चीज जो पसंद आया वो जो है माथे पे त्रिपुंड और अर्धचंद्र का जो टीका है वो जो है सही लग रहा है। बाकी जो है उनके लुक में देखिए, उनके जो कपड़ों से लेकर उनके जो वस्त्र जो जिस प्रकार से उन्हें कॉस्ट्यूम दिया गया, उनके पगड़ी तक जो है किसी भी प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह लग ही नहीं रही है। आप एक बार शरद केलकर के इस लुक को देखिए, एक बार देखिए जो तेज है, जो गंभीरता है, जो उनके बॉडी लैंग्वेज है जो दिख रहा है ना, अलग से लगता है कि जब तानाजी में इनकी एंट्री होती है, जब इनके सीन्स दिखाए जाते हैं तो लगता है कि ये जो कैरेक्टर है इसको एक अलग से सेपरेट मूवी देनी चाहिए, इसमें जो है अलग से फिल्म बननी चाहिए। और मैंने कहीं सुना था कि राज ठाकरे ने अक्षय कुमार को छत्रपति महाराज के कैरेक्टर के लिए सेलेक्ट किया है। पता नहीं है लोग क्या सोच के कहाँ से उन लोग को जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि अक्षय कुमार में दिख गई। पहले से ही जो है इन लोगों ने कैरेक्टर्स को, हमारे ऐतिहासिक कैरेक्टर्स को बॉलीवुड फिल्म बना के बर्बाद कर रखा है। और यहाँ मराठी फिल्मों में मराठी एक्टर को छोड़ के कहाँ से बॉलीवुड या फ्लॉप एक्टर्स को बुलाया जा रहा है, जिनके साल में चार चार फिल्मों में से एक भी फिल्म नहीं चल पा रही है। अक्षय कुमार केवल चलते हुए आ रहा है लेकिन कहीं से भी नहीं लग रहा है यार, ये छत्रपति शिवाजी महाराज तो छोड़ो उनके मावड़ों में से किसी के कैरेक्टर के जैसा भी नहीं लग रहा है। मतलब क्या ये सीरियस लुक दिया है, कहीं से भी कोई तेज नहीं दिख रहा है, क्या मजबूरी में कहा जाए। अक्षय कुमार को देख के सच में हंसी आ रही है कि क्या मजबूरी थी जो कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज का कैरेक्टर वो निभा रहे हैं। मैं यहाँ पे दोनों फ्रेम में आपको वीडियो चला के दिखाता हूँ, आप दोनों को कंपैरिजन करके देखिए, दोनों को तुलना करके देखिए, देखिए कहाँ पे जो है आपको महाराज दिख रहे हैं और कहाँ पे आपको जो है मतलब क्या कहा जाए। अभी मैं बैठ के शिव प्रताप गरुड़ जी का सीन देख रहा था जहाँ देखे अनमोल जी का जो है परफॉर्मेंस देखे छत्रपति शिवाजी महाराज के कैरेक्टर में, औरंगजेब के सामने जब वो बोलते हैं तो भाई देख के एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक जो है गर्व की जो भावना आती है ना वो अलग होता है। और यहाँ अक्षय कुमार को देख के केवल लग रहा है कि कहाँ से क्या सोच के इन्हें ले लिया गया। भाई आदिपुर जैसे फिल्मों को बैन कराने से, बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होगा, हमारे जो ऐतिहासिक कैरेक्टर्स जो इतने महान चरित्र हैं इनके जो इनके बारे में जो फिल्म बन रही है उसमें भी जो है अच्छी कास्ट और अच्छा जो स्टोरी लाइन है और अच्छा भावना जो है उसको दिखाना आवश्यक है। इसके खिलाफ भी जो है हिंदुओं को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हमारे कोई भी ऐतिहासिक चरित्र इतने महानतम चरित्र को कोई भी कुछ भी बना के कैसे भी नहीं दिखा सकता। तो सबसे बड़ी विडंबना की बात तो है कि मराठी इंडस्ट्री से आने वाली मूवी जो कि खुद महेश मांजरेकर जैसे जो है डायरेक्टर द्वारा बनाया जा रहा है, ऐसे लोग जो जुड़े हुए जहाँ स्वयं मराठी जो लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं वो जो है अक्षय कुमार को इसमें कास्ट करते हैं, ये देख के सच में बहुत दुख लगता है भाई। तो आप क्या कहना चाहेंगे अक्षय कुमार के इस लुक को लेकर और आने वाली फिल्म जो है उसके बारे में, क्या आपका ओपिनियन है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।